ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे। केंद्र सरकार से अपील करता हूं, अगर आप दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार खत्म कर दो, फिजूल खर्ची खत्म कर दो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं देश में जीएसटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जीएसटी कम करने पड़ेंगे, टैक्स कम करने पड़ेंगे। इतनी चीजें महंगी हो रही है और फिर भी और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लोगों को, महंगाई तो पूरे देश में हो रही है लेकिन दिल्ली के अंदर हमने उनको महंगाई से थोड़ी बहुत राहत दिलाने की कोशिश की है। आज दिल्ली में लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़ते, अमूमन एक बच्चे की पढ़ाई पे अगर अच्छी पढ़ाई करानी हो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीना खर्चा आ जाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, तो लगभग अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो 12,000 से 15,000 रुपए तो उनके फीस के ही बच गए। आज दिल्ली के सारे लोगों का हमने इलाज मुफ्त कर दिया, आपके जो सारी दवाइयां सारे टेस्ट सब कुछ मुफ्त कर दिया, इससे लोगों के खूब पैसे बचने लग गए। आज दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लोगों को मुफ्त में तीर्थयात्रा पे लेके जाते हैं, लोगों को मुफ्त में योगा करा रहे हैं, अगर कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का दिल्ली के अंदर तो उसका पूरा इलाज मुफ्त होता है। तो इतनी सारी चीजें दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं, तो महंगाई तो है लेकिन इन सब चीजों की वजह से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। तो जब घर घर जाओगे, ये हमने कैसे किया, हमने किया क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली में, उससे खूब पैसा बचने लगा। हमने फिजूल खर्ची, इतनी फिजूल खर्ची होती है सरकार में, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में करते हैं, हमने वो सारी फिजूल खर्ची बचाई, उससे पैसे बचे, हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स कम कर दिए और जनता को इतनी राहत दी है। पूरे देश में ये हो सकता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि प्लीज ये जीएसटी में जो बढ़ाया आपने इसको वापस ले लीजिए।